पूरी दुनिया की सांसें एक पल के लिए रोक देने वाली वैश्विक महामारी कोरोना से हर तबका परेशान है। इसी में शिक्षण संस्थान भी शामिल है। स्थिति यह है कि जहां कई कोचिंग सेंटर्स पहले गुलजार हुआ करते थे, स्टूडेंट और टीचरों की महफिल सस्ती थी, मूलभूत जरूरतें भी पूरी होने में परेशानी हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम कपूरथला चौराहे के पास स्थित अमेरिकन कोचिंग इंस्टीट्यूट की आज की स्थिति, और साथ ही हमने कोचिंग संचालक मनीष राघव का दर्द भी जाना। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष राघव जी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के डायरेक्टर। सर, इस लॉकडाउन में बहुत ढेर सारी सभी को समस्याएं हुई हैं और शिक्षण विभाग को भी बहुत सी समस्याएं हुई हैं। अनलॉक जो हुआ है उसमें सारी चीज़ें तो खोल दी गई हैं, लेकिन शिक्षक विभाग खोला नहीं गया है। आइए हम जानते हैं क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ रही हैं। आइए हम बात करते हैं मनीष जी से। जी सर, आप बताइए हमें कि इस लॉकडाउन के ज़रिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्याएँ आपको देखनी पड़ रही हैं। देखिए, जैसा कि एक शिक्षण संस्थान का संचालक होने के नाते मैं जो परेशानियाँ मेरे को फेस करनी पड़ी हैं, वो जो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, इस फील्ड के जितने भी संचालक हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनके सभी के संचालकों को, बहुत सारे संचालकों को, उनके टीचर्स को, सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं, 3 महीना हो चुका है लॉकडाउन लगे हुए, हम लोगों के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके रेंट बराबर चल रहे हैं, उसमें कोई रियायत अभी तक सरकार की तरफ से या हमारे लैंडलॉर्ड्स की तरफ से अभी तक नहीं आई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पे करना पड़ता है और वो सब हमारे ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि जो हमारी सरकार है, उन्होंने ये कहा था स्टार्टिंग में कि किसी को भी सैलरी देना बंद ना करें, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत पेमेंट्स करे, बहुत सारे पेमेंट्स हम लोगों की तरफ से होते आ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे सरकार से सिर्फ एक ये सवाल है कि कब तक, क्योंकि हमने सुना था कि मई के बाद में, मई जो 31 मई है उसके बाद में हम लोगों के कोचिंग सेंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे, बट अभी जून चल रहा है, जून चलने के बाद में सुनने में आ रहा है कि अब जून तक बंद रहेंगे, जुलाई में खुलेंगे। अभी तक मेरे ये भी सुनने में आया कि जुलाई में भी केसेस डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, और उसके बाद में 15 अगस्त तक अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि कब तक हम लोग इस तरीके से बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पास एक क्लासरूम होता है, अगर हम उसमें 20 बच्चे पढ़ाते हैं तो हम 10 बच्चों के साथ में हम आराम से उस क्लासरूम को चला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन में हम लोगों के साथ अभी परेशानी खड़ी हो चुकी है, जैसा कि बहुत लोगों ने बताया कि अभी शिक्षण संस्थान, मेरे बहुत से ऐसे जानकार हैं जिन्होंने बंद करने की नौबत आ चुकी है और बंद कर भी दिए हैं, क्योंकि वो नहीं जान पा रहे हैं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हम लोगों को ये वाले खर्चे उठाने पड़ेंगे जो हम नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स भी हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, पूरे इंडिया में हज़ारों लाखों टीचर्स हैं जो काम करते हैं और आज उनकी रोज़ी रोटी पर पूरी तरीके से बात आ चुकी है, उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाना जानते हैं और पढ़ाने को कहाँ तक वो इस्तेमाल, पढ़ाई को वो कहाँ से चला सकते हैं जब ना तो स्टूडेंट हैं और ना कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि मनीष सर ने हमसे ये बताया कि कोरोना को लेकर के कितनी ज़्यादा समस्याएं आई हैं पूरे भारत में इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, घर घर में हो रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत सी चीज़ों पे छूट दे दी है, लेकिन शिक्षण विभाग में ऐसी कोई भी छूट नहीं मिली है। मनीष सर का कहना ये है कि हम शिक्षण विभाग को बस थोड़ा सा शुरू करने का एक मौका देना चाहिए, अगर वो कुछ रूल्स भी फॉलो करती है हमारी सरकार तो वो भी उसके साथ ये करने के लिए तैयार हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके भी वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और बस एक छोटा सा रास्ता चाहिए इस चीज़ को दोबारा शुरुआत करने के लिए। नमस्कार।